चलिए आज के कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ये मेन फैक्टर रहता है कि कौन कौन सा फैक्टर है जो लर्नर को प्रभावित करता है या लर्निंग प्रक्रिया को प्रभावित करता है, तो उसका विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसकी विशेषता दे देगा, पूछेगा कौन सा कारक प्रभावित करता है, कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। तो ये स्टेप टू स्टेप हम लोग देखेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, पहला व्यक्तिगत कारक, व्यक्ति से संबंधित जो कारक होता है उसे व्यक्तिगत कारक बोला जाता है, चाहे स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में हो चाहे शिक्षक के परिप्रेक्ष्य में। स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में रहेगा तो भी अधिगम प्रभावित करेगा, शिक्षक से संबंधित रहेगा तो भी अधिगम प्रभावित करेगा। आगे हम लोग शिक्षक से संबंधित भी कारक देखेंगे, विद्यार्थी से संबंधित कारक भी देखेंगे। पहले इसमें व्यक्तिगत कारक देख लेते हैं। व्यक्तिगत कारक कौन कौन? थकान एवं उबन। थकान, यदि शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते थक जाता है तो इंटरेस्टिंग कक्षा नहीं बन पाती है, और इंटरेस्टिंग कक्षा नहीं बन पाएगी तो कहीं ना कहीं अधिगम प्रभावित हो जाएगा। बच्चे थक जाते हैं, इंटरेस्टिंग कक्षा नहीं होती है तो बच्चे भी थक जाते हैं, और थकने के पश्चात देखा जाता है कक्षा में बच्चे ही कहते हैं सर जी बस करिए, बस करिए सर जी, आज बस करिए, कल कल पढ़िए। तो ये थकावन एवं उबन के कारण ये कक्षा हमारी प्रभावित हुई, कहीं ना कहीं अधिगम प्रभावित हुआ। और इसके बावजूद भी जो शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है तो शिक्षक कार्य से वह अधिगम नहीं करा सकता क्योंकि बच्चे थक चुके हैं, उबन हो रहा है कक्षा में, इसलिए अधिगम प्रभावित हो जाता है। नेट परिपक्वता, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी नहीं है तो भी अधिगम प्रभावित है, मेच्योरिटी रहना चाहिए। मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है, और मेच्योरिटी नहीं है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित नहीं हो पाएगी। जैसे जिस कक्षा में उसी कक्षा के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, कक्षा एक का है तो एक के लिए, दो का है दो के लिए, तीन का है तीन के लिए, चार का है चार के लिए। नेक्स्ट है संवेगात्मक दशाएं। बालक या शिक्षक की संवेगात्मक दशाएं क्या है? संवेगात्मक दशाएं सदैव पॉजिटिव होना चाहिए, तब अधिगम प्रभावी तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट नीड, आवश्यकताएं, दोनों की आवश्यकताएं। जैसे अभी नेट का जो भी चल रहा है, जब जून में पेपर आ जाएगा लोगों की आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी तो बहुत तीव्र गति से ये सारी अधिगम शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया होगी। शिक्षक भी एक्टिव हो जाता है, स्टूडेंट भी लेने के लिए एक्टिव हो जाता है। तो ये वीडियो जो है आप खुद ही अपने दोस्त मित्र यार को शेयर करना शुरू कर देंगे कि देखिए अनिल सर जी का बहुत बेहतरीन अध्येता की विशेषताएं बताएं, टीचिंग के बारे में बताएं, उसके स्तर के बारे में बताएं, क्वेश्चन सॉल्व कराएं, आप खुद ही शेयर करना शुरू कर देंगे, सबके यहां तक पहुंचाना शुरू कर, खुद भी पढ़ेंगे दूसरों को भी प्रेरित करने करेंगे पढ़ना, आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे, किताबों का कलेक्शन करना शुरू कर देंगे, नोट्स बनाना शुरू कर देंगे, उस पर तर्क वितर्क करना शुरू कर देंगे। ये सारी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग जब आवश्यकता बढ़ती है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपने आप बोल देता है। नेक्स्ट रुचियां, रुचि होनी चाहिए, उस विषय के प्रति रुचि होगा तो अधिगम अपने आप होता चला जाए। और प्रेरणा अवधान, बालक यदि अभी प्रेरित है पढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं कोई अवधान आ रहा है उसमें, तो अधिगम प्रभावित हो जाएगा। जैसे अभी सोचा, आप सोच लीजिएगा, जैसे नोट्स बनाने जा रहे हैं, पेन कहीं खो गया, पेन नहीं मिल रहा, तो आपका तुरंत मूड चेंज, अरे यार छोड़ कल बनाएंगे नोट्स, बनाने का मूड किया, रुचि लग रही, किताबें नहीं मिल रहा, मैटर का कलेक्शन ही नहीं कर पा रहे, तो कहते छोड़ो यार कल कल कल, करते करते कई दिन बीत जाता है लेकिन आपका नोट्स तैयार नहीं हो पाता है, इसीलिए बोला जाता है अप्रेरणा अवधान। यदि अप्रेरणा अवधान हो रहा है तो अधिगम प्रभावित होगा। ठीक, व्यक्तिगत संबंधित समझ में आ गया। नेक्स्ट शिक्षक से संबंधित कारक। शिक्षक से संबंधित एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, शिक्षक की पारिवारिक परिस्थितियां अधिगम को प्रभावित करती है कि नहीं, तो शिक्षक की पारिवारिक परिस्थितियां अधिगम को प्रभावित करती हैं, लेकिन ज्यादा किसकी परिस्थितियां? ज्यादा स्टूडेंट की परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। शिक्षक का मतलब इकोनॉमिक स्टेटस कम भी है तो भी वो अधिगम करा ले जाएगा, लेकिन बच्चे का इकोनॉमिक स्टेटस कम है तो पढ़ नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं समस्याएं आ जाए, उसका अधिगम प्रभावित हो जाए।
लेकिन शिक्षक का पारिवारिक पृष्ठभूमि अधिक प्रभावित नहीं करता है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल पृष्ठभूमि रहती है वो थोड़ा बहुत अधिक हमको प्रभावित करता है। ठीक, अब नेक्स्ट विषय वस्तु का ज्ञान। शिक्षक के पास यदि विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है तो अधिगम अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की जो पर्सनालिटी होनी चाहिए वो अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए, व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, मतलब बात विचार करने का तौर तरीका अच्छा होना चाहिए, बच्चों के साथ घुल मिलकर होना चाहिए, लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली संचालित करना चाहिए, बच्चों से मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए, बच्चों को मिला जुला कर रखना चाहिए, अधिगम को अच्छे तरीके से देना चाहिए, शिक्षण कार्य अच्छे तरीके से करना चाहिए, बच्चों के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। ये सारे शिक्षक का व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। शिक्षण का शिक्षण शैली, शिक्षण शिक्षक का शिक्षण शैली, शिक्षक का शिक्षण शैली, उसके पढ़ाने का तौर तरीका क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है कि नहीं करता है, उसके बोलने का कैसा है, उसका कम्युनिकेशन स्तर कैसा है, ये सारे महत्वपूर्ण रखते हैं। नियोजन करने की क्षमता, यदि शिक्षक के पास प्लानिंग, नियोजन मतलब प्लानिंग, नियोजन करने की क्षमता नहीं है तो नहीं कर पाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जितने भी हैं सब मैं आपके साथ नियोजित करके लेकर आया हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं बता पाऊँ। क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए तो इससे संबंधित प्रश्न गलत ना हो। ये शिक्षक का एक प्लानिंग होता है, उस प्लानिंग के तहत अच्छे तरीके से ये अधिगम होता है। यदि इसमें गड़बड़ी है तो वही अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हो जाते हैं। संप्रेषण स्तर, शिक्षक का संप्रेषण स्तर उच्च स्तर का होना चाहिए, बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, बातचीत करने का तौर तरीका अच्छा होना चाहिए। जो डोनर है, डोनर मतलब शिक्षक होता है, वो दे रहा है तो किस भाषा में दे रहा है, कैसे दे रहा है, बच्चों के स्तर पर उतर कर पढ़ाए जाने का प्रयास करना चाहिए। समझ में आया? बच्चों के स्तर पर उतर कर पढ़ाएंगे तो बच्चों के अंतर्गत तीव्र गति से अधिगम होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विद्यार्थी से संबंधित कारक। विद्यार्थी से संबंधित कारक कौन कौन से है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी का पूर्व अधिगम, जैसे पूर्व अधिगम का मतलब आज मैं कक्षा में पढ़ा रहा हूँ, जो स्टूडेंट आज नहीं आया है नेक्स्ट कक्षा में आएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं उसका अधिगम बाधित हो जाएगा। जो कंटिन्यूअस रोज बने रहते हैं कक्षा में, उनका जुड़ाव रहता है, एक विषय से जुड़ते चले जाते हैं, इसलिए उसको अधिक समझ में आ जाता है। तो पूर्व अधिगम, विद्यार्थी का पूर्व अधिगम कहाँ तक है उस पर मायने रखता है। नेक्स्ट विषय वस्तु की प्रकृति, विषय वस्तु कैसा है, इंटरेस्टिंग विषय वस्तु रहता है तो कक्षा में भागीदारी अधिक रहती है, बच्चों का इंटरेस्टिंग विषय वस्तु नहीं रहता तो भागीदारी नहीं रहती है। नेक्स्ट शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता, शारीरिक स्वास्थ्य सही रहना चाहिए, मतलब रोग नहीं होना चाहिए उसके पास। यदि उसका सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है तो अधिगम नहीं कर पाएगा कक्षा में, आप कितना इंटरेस्टिंग क्लास लेते रहे, वह बालक शारीरिक रूप से विक्षिप्त है तो उसका अधिगम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बुद्धि, सीखने की इच्छा, बुद्धिमान होना चाहिए, आईक्यू लेवल जो है सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, मंद बुद्धि बालक, जड़ बालक, इस तरीके से आईक्यू लेवल भी सही तरीके से रहता है तो सही तरीके अधिगम होता है। आईक्यू लेवल नहीं रह पाता है तो उस बच्चों के लिए रिमेडियल क्लास का व्यवस्था किया जाता है, उसको अलग से बताए जाने का प्रयास किया जाता है। जो बिल्कुल जड़ रहते हैं उसके लिए भी अलग शिक्षण स्किल का प्रावधान किया जाता है। सीखने की इच्छा, बालक के अंतर्गत ऐसा प्रेरणा देना चाहिए कि उनके अंतर्गत सीखने की इच्छा जागृत हो जाए जिसके कारण अधिगम प्रभावित न हो। प्रेरणा एवं उत्साह, प्रेरणा प्रेरित रहे, उत्साह रहे उसके अंतर्गत कि नहीं अधिगम के कारक हम आज पढ़ रहे हैं तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक उसके बारे में पूरी हमें जानकारी हो जाएगी और हम परीक्षा में किसी भी प्रश्न को इससे संबंधित गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट वातावरण, शैक्षिक वातावरण बनाया जाना चाहिए, कक्षा का परिस्थिति जो औपचारिक शिक्षा है इसको इतना एनवायरमेंटल क्रिएट कर देना चाहिए। कक्षा में जब शिक्षक प्रवेश करता है तो एनवायरमेंटल ही बनाता है, भूमिका बनाता है, जिसको कहा जाता है भूमिका बना रहे हैं कि चलिए आज हम लोग देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। जैसे उसी बीच में मोबाइल बज गया तो क्या कहा शिक्षक, कहा कि अरे यार देखो एक तो ये भी प्रभावित है, अभी अब तुम लोग पढ़ा रहे थे मोबाइल बजा, मेरा ध्यान इधर हो गया, अब तुम लोगों का अधिगम प्रभावित हो गया, अब कहाँ पढ़ा रहे थे, न स्टूडेंट का ध्यान जा रहा है न टीचर, चलो अच्छा यहाँ पर हम लोग पढ़ा रहे थे, इससे विद्यार्थी से संबंधित कारक।
तो ये क्या है, अधिगम को ऐसा भूमिका बनाता है तो स्टूडेंट जुड़ जाते हैं तो वातावरण। सीखने की विधि सही रहना चाहिए तब स्टूडेंट सीखता है। नेक्स्ट, विद्यालय संबंधी परिस्थितियां, विद्यालय प्रबंधन की प्रशासनिक नीति, जो वहां का प्रिंसिपल है या प्राचार्य है या हेडमास्टर है उसकी कैसी प्लानिंग है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे, टाइम टेबल बना रहना चाहिए, फिर प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज टीचर का कक्षा लगाना चाहिए, टीचर को कक्षा में जाना चाहिए, कहीं टीचर लापरवाही कर रहा है तो उस पर कमेंट करना चाहिए, इस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था सही रहेगी तो शिक्षक दार सही रहेगी। प्रधानाचार्य के साथ शिक्षक का व्यवहार मधुर होना चाहिए, यदि शिक्षक का व्यवहार सही नहीं तो अधिगम को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, दोनों में नोक झोंक होती रहती है तो बच्चों का नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट, अपने साथी शिक्षक के साथ व्यवहार, जो वहाँ का टीचर है उनके साथ व्यवहार कैसा है, बच्चों के साथ व्यवहार कैसा है, आपस में व्यवहार कैसा रखते हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है। विषय से संबंधित कारक, जो विषय है उससे संबंधित कारक, बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे शिक्षण विधि है, शिक्षण सूत्र है, शिक्षण सहायक सामग्री है, परिचर्या इत्यादि यदि नहीं है तो अधिगम को प्रभावित करता है। स्कूल में अध्यापक समय से नहीं आते हैं, यदि समय से विद्यालय में स्कूल नहीं आ शिक्षक पहुंच रहे हैं तो अधिगम प्रभावित हो जाए। कभी कभी शिक्षक स्कूल में जाते हैं पढ़ाते नहीं है तो ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। स्कूल में शिक्षक यदि जाए तो अपने जो भी पीरियड बनाया गया उस पीरियड के अकॉर्डिंग वो पढ़ाने का कार्य करे, जिसके कारण अधिगम प्रभावित न हो, बच्चों का नुकसान न हो। इस तरीके से विद्यालय परिस्थितियां हैं, विद्यालय से संबंधित एक सब कारक है जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण जन्य कारण, हमारे प्रकृति में बहुत सारे कारक है जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं, जैसे अधिक गर्मी पड़ने लगेगी तो भी छुट्टी हो जाएगी, अधिक ठंडा पड़ने लगेगा तो भी छुट्टी हो जाएगी, अधिक बरसात होगा तो भी छुट्टी हो जाएगी, अगल बगल डीजे वगैरह बजना हो जाएगा तो भी छुट्टी हो जाएगी, भोपो माइक वगैरह बनना हो जाएगा तो भी अधिगम प्रभावित हो जाता है, बहुत सारे पर्व आ जाते हैं उसके चक्कर में भी अधिगम प्रभावित हो जाता है, जैसे होली का माहौल आ गया, होली के माहौल में अधिगम प्रभावित हो गया, दो दिन पहले से लेकर दो दिन बाद तक न शिक्षक की रुचि लगती है न बालक की रुचि लगती है, ये सब अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरण जन्य कारक है। नेक्स्ट है आनुवंशिक कारक, हेरिडिटी कैरेक्टर, जो माता पिता से मिलने वाले हैं वो भी अधिगम को प्रभावित करते हैं, जो भी हेरिडिटी कैरेक्टर है, जैसे माता पिता जिस स्तर के उसी स्तर का बालक होना चाहिए, आनुवंशिक गुण उनके माता पिता से ही उनको मिलते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक का मतलब जैसे चिंता दुख सुख इत्यादि ये सारे तनाव में है तो ये मनोवैज्ञानिक कारक है, चिंता में तो मनोवैज्ञानिक कारक है, जो मानसिक विकार हो जाता है वो मनोवैज्ञानिक कारक है, ये सब जो साइकोलॉजिकल तरीके से इफेक्ट डालते हैं ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो कभी काल के मनोवैज्ञानिक कारक से भी पूछे गए हैं, शिक्षक से संबंधित, विद्यार्थी से संबंधित, शिक्षक से संबंधित बहुत सारे कारक आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो ये सारे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बहुत विस्तार से हैं। इसको एक बार वीडियो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने के पश्चात अपना एक नोट्स बनाइएगा, नोट्स में इससे संबंधित क्वेश्चन का कलेक्शन कीजिएगा और उसको देखिएगा, और इससे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अलग से अधिगम को प्रभावित करने वाले।